गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल। सो गाइज मेरे आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ पतंजलि एलोवेरा जेल। जी हाँ गाइज, पतंजलि एलोवेरा जेल जो है वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। रिसेंटली मैंने परचेज किया उसे और मेरे फेस पे ना बहुत ज़्यादा पिंपल, छोटे छोटे दाने, और मेरे जो नोज़ एरिया है ना यहाँ पे भी बहुत छोटे छोटे, आप देख सकते हो अभी भी है, अब तो काफ़ी कम हो गया है, तो यहाँ पे बहुत ही छोटे छोटे पिंपल्स निकल आए थे। यानी पिंपल्स भी नहीं थे, वो छोटे छोटे कुछ अजीब तरीके के, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था। तो मुझे किसी ने रेकमेंड किया कि यस आप पतंजलि एलोवेरा जेल लगाओ और वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है आपके फेस के लिए। सो गाइज मैंने 2 से 3 दिन यूज़ किया है नाइट में और इतना ज़्यादा अमेजिंग है ये पतंजलि एलोवेरा जेल। सो गाइज मैं बात कर रही हूँ केसर चंदन एलोवेरा जेल की। सो गाइज ये जो एलोवेरा है वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है और बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है। इसका जो प्राइस है वो है सिर्फ और सिर्फ 100 रुपीज़, बट इस पर भी मुझे डिस्काउंट मिल गया था थोड़ा सा, तो ये मुझे आई थिंक 95 समथिंग का मिला था। तो गाइज ये जो एलोवेरा जेल है ये बहुत तरीक़ों से हम यूज़ कर सकते हैं। मैं रात को सोते वक्त क्या करती हूँ, अपने फिंगर पे थोड़ा सा लेती हूँ ऐसे एलोवेरा जेल, मैं डालती हूँ 1 विटामिन ई की कैप्सूल और इसको अच्छे से मिक्स करके मैं अपने फेस पे लगा लेती हूँ रात को सोते वक्त। और गाइस ये ट्रस्ट मी बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, तो आप देख सकते हो ऐसे ही आपको भी अप्लाई करना है। अगर आप भी पाना चाहते हो ग्लोइंग स्किन और बहुत ही पिंपल फ्री स्किन, तो आप डेफिनेटली इस एलोवेरा को ट्राई कर सकते हो। इसमें आपको क्या करना है, अगर आपके पास विटामिन ई कैप्सूल नहीं है तो आप इसको ऐसे ही अपने फिंगर टिप्स पे लेके और थोड़ा सा और अपने फेस पे लगाओगे और इससे आपकी स्किन जो है बहुत ही ज़्यादा ग्लोइंग हो जाएगी और बिल्कुल पिंपल फ्री हो जाएगी। आप देख सकते हो मेरे जो फेस है इस पर बिल्कुल भी पिंपल नहीं है और मैंने बिल्कुल भी मेकअप नहीं किया हुआ है। मैं मेकअप एक लिपस्टिक के अलावा मैंने कुछ भी नहीं लगाया हुआ है। सो गाइस ये जो ओके सो गाइस ये जो एलोवेरा है ये बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है और बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है। इसका एक छोटा पैक आता है, आई थिंक वो आता है 50 रुपीज़ का। सो अगर आप इसे नहीं ले पा रहे हो, अगर आप ये आपके बजट से बाहर है, तो आप ले सकते हो 50 रुपीज़ वाला केसर चंदन एलोवेरा जेल, वो भी पतंजलि का आता है और इससे थोड़ा सा छोटा होता है। बट गाइस ट्रस्ट मी ये एलोवेरा जेल इतना ज़्यादा अमेजिंग है कि आपको कोई भी क्रीम अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसे डे में भी यूज़ कर सकते हो, आप इसे नाइट में भी यूज़ कर सकते हो। तो राइट नाउ मैं अभी इसे ही यूज़ कर रही हूँ और इसकी जो बेनिफिट्स है ना बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। सो गाइस जब मेरे सारे पिंपल्स ख़त्म हो गए तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर करूँ। ओके सो गाइस ये जो एलोवेरा है ये आपके पिंपल्स, रिंकल्स और जो अनइवन स्किन टोन है उसको सबको ठीक करता है। एंड आप इसको अपने हेयर में भी अप्लाई कर सकते हो। जी हाँ गाइस, आप थोड़ा सा एक कटोरी दही लेके थोड़ा सा उसमें एलोवेरा डाल के और आप अपने जो रूट्स हैं वहाँ पे ट्राई कर सकते हो और आधा घंटा रखने के बाद यानी 30 मिनट रखने के बाद आप अपने हेयर को वॉश कर सकते हो। तो ये बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है और आप इसको बहुत सारे तरीक़ों से यूज़ कर सकते हो। तो अगर आपने अब तक ये एलोवेरा जेल ट्राई नहीं किया है तो आप इसको ज़रूर ट्राई करो, और जिसने ट्राई कर लिया है वो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ, तो मुझे पता चलेगा कि किस किसने ट्राई कर लिया है। ओके सो गाइस इसको ना केवल ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि पिंपल रिंकल मॉइस्चराइजिंग एंड त्वचा के प्राकृतिक सौंदर्य तथा बालों के लिए एलोवेरा जेल केसर चंदन का प्रयोग करें, 1 सप्ताह में रिंकल्स व पिंपल्स में लाभदायक प्रयोग विधि, चेहरे पर एलोवेरा जेल केसर चंदन से मसाज करें व सोने से पहले चेहरे को एक लेयर बनाकर छोड़ दें व सुबह उठकर गुनगुने पानी से चेहरे को धो लें, सुबह स्नान करने से 30 मिनट पहले चेहरे पर एलोवेरा जेल केसर चंदन लगाकर छोड़ दें। और जो थर्ड इन्होंने लिखा हुआ है वो लिखा त्वचा के विकारों जैसे खुरदरापन, दाग, धब्बों आदि में एलोवेरा जेल केसर चंदन 5 से 7 मिनट मसाज करें। सो अगर आपकी जो पोर्स वोर्स हो जाते हैं या फिर कई बार ऐसा होता है स्किन छूटती है, तो उसमें आपको 5 से 7 मिनट इसमें मसाज करना है एंड देन आपको गुनगुने वाटर से या फिर नॉर्मल वाटर से वॉश कर लेना है। इसको आप एज अ मेकअप प्राइमर बेस भी यूज़ कर सकते हो, और अगर आप हेयर स्ट्रेट कर रहे हो तो आप थोड़े से अपने एज अ हीट प्रोटेक्शन भी यूज़ कर सकते हो अपने हेयर्स में। तो ये हर तरीके से मुझे लगता है कि बहुत ही लाभदायक है, यानी कि बहुत ही अमेजिंग है। ओके सो गाइस मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मेक श्योर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और पास में ही होगा बेल नोटिफिकेशन, उसको भी हिट करना बिल्कुल भी मत भूलना। इससे क्या होगा, जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँगी आपको सबसे पहले उसके नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।
लव यू ऑल।